वेलकम बैक दोस्तों। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपनी एक नई वीडियो अपलोड कर रहा हूं। आप लोगों में से बहुत लड़कों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई नौकनी को कैसे सॉल्व करें, इसके रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा, तो मुझे लगा कि चलो इस पे वीडियो बनानी चाहिए। तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि हम नौकनी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मात्र 10 दिनों के अंदर अंदर। दोस्तों आई एम सॉरी गाइज, मैं कुछ 5-6 दिनों से कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं 5-6 दिनों से बहुत ही बिजी था, टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। बिकॉज क्या हो रहा है कि नेवी की एग्ज़ाम आ चुकी है, बहुत सारे लड़के आते हैं मेरे घर पे अपनी स्टडीज से रिलेटेड बात करने के लिए, नेवी से रिलेटेड बातें करने के लिए। और इसके अलावा मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाता भी हूँ दोस्तों, तो टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो भी मैं कुछ टाइम निकाल के अभी कुछ मिनट के लिए फ्री हुआ हूँ, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ऐसी वीडियो आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपको कहीं भी ऐसी वीडियो देखने नहीं मिलेगी। आप जहाँ कहीं से भी, जिसके यहाँ से भी टीचिंग लेते होंगे या कोर्स करते होंगे या ट्रेनिंग करते होंगे, आप देख लीजिए हर जगह पे, ऐसी नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए मेरे आने वाली वीडियोज़ को पाने के लिए। वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व नौकनी प्रॉब्लम इन जस्ट 10 डेज दोस्तों। बिकॉज 10 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी नौकनी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, इसके लिए आप 2 रुपए का पाउच आता है कोकोनट ऑयल का, यानी कि नारियल तेल का एक बॉटल आती है, या तो एक छोटा सा पाउच भी आ जाएगा 2 रुपए वाला, या आपके घर पे भी नारियल तेल होगा उसे आप यूज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ऑयल की जरूरत है दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई और जरूरत नहीं है। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, तरह तरह के ज्ञान दिए हुए हैं, आप उसको फॉलो करोगे तो आपने खुद ये देख लिया होगा, क्योंकि मैंने भी ये फॉलो किया हुआ है दोस्तों। इससे कुछ होता वोता नहीं है, आप 1 महीना क्या 1 साल भी उसको करते रह जाओगे, थोड़ी भी सॉल्व नहीं होगी दोस्तों। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि व्हाट इज नौकनी, नौकनी होती क्या है, एक हेल्दी नी क्या होती है और कितने टाइप्स की नीज होती है। और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट एग्जाम में जाने के लिए, यानी कि डिफेंस सर्विस में जाने के लिए हमको कैसे नीज चाहिए होते हैं दोस्तों, विथ प्रॉपर प्रूफ के साथ, और हम इसको कैसे सॉल्व करें, यानी कि वर्कआउट कैसी एक्सरसाइज करें इस नौकनी को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि नौकनी होती क्या है, इससे कितने टाइप्स होते हैं, और एक हेल्दी नी कैसे होती है डिफेंस एग्जाम में जाने के लिए। तो चलिए मैं आपको फटाफट इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों चलिए मैं आज आपको बताता हूँ नौकनी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ये नौकनी होती क्या है। अक्सर आप बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे पर वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं होते हैं दोस्तों, वो एक प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे उपपटे ज्ञान दिए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे पीछे मैंने 3 डायग्राम प्रॉपर बना रखे हैं, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नौकनी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई बोन डिसीज नहीं है दोस्तों, ये हो जाती है हमारे ईयर के साथ साथ, यानी कि हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारे वेट की वजह से हमारे नीज पे बहुत सारा प्रेशर आता है, जिसकी वजह से नॉक नीज की प्रॉब्लम अक्सर होती है दोस्तों। तो मैंने मेरे पीछे बोर्ड के ऊपर 3 डायग्राम बना रखे हैं दोस्तों, तो चलिए इसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। इससे पहले मैं आपको पूरा रूम का व्यू दिखा देता हूँ, तो देखिए पूरी रूम खाली है, सारे बच्चे घर जा चुके हैं, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, मैं 1 बाय 1 आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, बिकॉज आने वाले फ्यूचर की वीडियोज में मैं बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं नौकनी को कैसे सॉल्व करें 10 दिनों के अंदर अंदर विद प्रॉपर गारंटी के साथ दोस्तों। तो देखिए कितने टाइप की नौकनीज होती है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो आप जो ये वाला डायग्राम देख पा रहे होंगे, ये है हेल्दी नी हमारी, यानी कि ये देखिए इसके बीच में प्रॉपर गैप है, तो ये हमारा हेल्दी है, इसका मतलब ये नौकनी नहीं है।
और जैसे आप ये डायग्राम देख लीजिए, नॉकनी दो टाइप की होती है, यह है टाइप वन और यह है टाइप टू। तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये देखिए, ये नीज़ मतलब ये दोनों आपस में जॉइंट होगी, यानी कि ये नॉकनी टाइप वन होगी। और जहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, यानी कि आपके दो नीज़ के बीच में इतना डिफरेंस होगा, यानी कि आपकी दो नीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट में होंगी, तो ये टाइप टू की होती है नीज़। तो ये है हमारी नीज़, कुछ ये है हमारी हेल्दी नीज़, यानी कि यही आपकी नीज़ इंडियन नेवी या फिर तो कोई भी डिफेंस या फिर कोई भी गवर्नमेंट के जॉब्स में आपके ऐसे नीज़ होनी चाहिए, यानी कि आपके दोनों नीज़ के बीच में प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए, ना कि इन दोनों में से अगर आपका कोई भी नीज़ है तो आप उसको करेक्शन कर लीजिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं नॉक नीज़ को कैसे ठीक करें 10 दिनों के अंदर अंदर, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ नॉकनी, नॉकनी होती क्या है, इसे कितने टाइप्स होते हैं और एक हेल्दी नी कैसी होती है हमको डिफेंस सर्विस में भर्ती कराने के लिए दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको वो वर्कआउट बताता हूँ कि वो वर्कआउट क्या है जिसे हम नॉकनी को सॉल्व कर सकते हैं मात्र 10 दिनों के अंदर अंदर दोस्तों। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने हाथों में कोकोनट ऑयल को अप्लाई कर लीजिए। इस एक्सरसाइज को आप हर दिन सुबह उठ के कर सकते हैं दोस्तों। ये आपको 3 सेट में लगानी होगी। सबसे पहला जो सेट आप करेंगे वो होगा आपका 15 रिपीटेशंस, यानी कि आप 15 टाइम्स ऐसे करेंगे। दूसरा जो सेट होगा वो उसको आप 10 टाइम्स करेंगे, और जो आप तीसरा सेट लगाएंगे उसको आप कम से कम 8 टाइम्स करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, और कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। 10 दिन आप इसको कंटिन्यू करते रहिए, आपको फर्क अच्छा खासा मिलेगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको वो वर्कआउट बताता हूँ, फिर आगे की बात हम करते हैं दोस्तों। तो ये है मेरा कोकोनट ऑयल, इसको मैं लगा के अपने हाथों पे नीड कर लेता हूँ अच्छे से दोस्तों। ये देखिए, मैंने कोकोनट ऑयल लगा लिया है, यानी कि अब देखिए मेरा हाथ कितना स्लिपरी हो गया है। तो चलिए मैं आपको वर्कआउट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे की बात हम करते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने ऑयल लगा के हाथों को नीड कर लिया है। तो अब चलिए हम अपने नीज को हम ऐसे रखेंगे, हम इसको अंदर की तरफ से ऐसे करके मालिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको रख लिया है, अब हम इसको धीरे धीरे यहाँ पे मालिश करेंगे, सेट लगाएंगे 1 2, ऐसे आप काउंट करके इसको प्रॉपर सेट लगा लीजिए दोस्तों। ये देखिए, ऐसे इसको हम ऐसे मालिश करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो नीज थी पहले ऐसी थी, इसके वजह से हम इसको मालिश करेंगे तो ये नीज थोड़ी बाहर की तरफ आती जाएंगी दोस्तों। तो हम डेली इसको करेंगे तो 10 डेज के अंदर अंदर ये आपकी नीज आपकी बॉडी के, तो आपकी जो नीज 10 डेज के बाद स्ट्रेट हो जाएगी दोस्तों, लाइक दिस। ये देखिए, आप इसको ऐसे अप्लाई कीजिए, उसके बाद आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप ऐसे लोगों से सीखिए जिसको नॉकनी के बारे में कुछ नॉलेज है दोस्तों। इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों कि लर्न फ्रॉम द बेस्ट नॉट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। इसका मतलब होता है जो जानते हैं इसके बारे में आप उनसे ही सलाह लीजिए। कुछ लोग क्या बताते हैं कि यह घुटनों के बीच में, यानी कि इस नीज के बीच में एक पिल्लो रख लीजिए दोस्तों। तो मैं एक बात बता देता हूं दोस्तों, अगर आप पिल्लो रख रहे हैं तो एक काम कीजिए और चादर भी लगा लीजिए यहाँ पे, और आराम से घुटनों को सोने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी मेडिकल की एग्जाम कभी क्लियर नहीं हो पाएगी दोस्तों। ये एक छोटी सी ज्ञान है, फ्री का ज्ञान है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, आपकी बहुत बेनिफिट की ये चीज़ है। इसके लिए सिर्फ आपको 2 से 3 रुपए का खर्चा पड़ेगा दोस्तों, यानी कि आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल का खर्चा पड़ेगा दोस्तों। तो आपने देखा होगा, ये है कुछ वर्कआउट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था दोस्तों। ऐसा वर्कआउट आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वर्कआउट आप करेंगे तो आपको सिर्फ 10 दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, मैं भी पहले यही वीडियोस ऐसे कुछ लोगों के वीडियोस देख देख के एक बहुत भ्रम पाल रखा था कि यार ये वीडियो देख लूंगा, मैं भी पिल्लो लगा कर सोऊंगा तो मेरे भी नॉकनीज ठीक हो जाएंगे दोस्तों। इससे कुछ होता नहीं है, महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, मेरा कुछ भी ठीक नहीं हुआ। फिर ये वर्कआउट मैंने खुद से इन्वेंट किया और मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया खुद के ऊपर। इससे मुझे बहुत अच्छा फर्क महसूस होने लगा दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को नॉलेज है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, बिकॉज ये दबाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप लोगों से मिस ना हो और मेरे भाइयों को वीडियो सबसे पहले पहुंचे। एंड इन द लास्ट एक
रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ आप लोगों से दोस्तों कि इस वीडियो को यानी कि ये जो नौकनी के ऊपर जो मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ जो आप लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर कीजिए बिकॉज ऐसी वीडियो आपको कहीं भी और देखने नहीं मिलेगी दोस्तों। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लड़कों तक पहुँचाइए जिसको इस वीडियो की नीड है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। एंड इन द लास्ट, इफ यू हैव डिटर्मिनेशन टू वर्क हार्ड नोबडी कैन स्टॉप्स यू।